मैं आ गया हूँ हिमाचल प्रदेश के एक बहुत छोटे से गांव जंगलबेरी में। ये जंगलबेरी का रेन शेल्टर है क्योंकि ये रोड के किनारे बना हुआ है, बस स्टॉप है और ऐसे ही घुमावदार रास्ते आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि छोटे छोटे गाँव में, जो हिमाचल प्रदेश के छोटे छोटे गाँव जो पहाड़ों के बीच में बने हुए हैं, वहाँ पर लोग पानी कैसे भरते हैं। ये वो रास्ता है जो मेन रोड से कटता है और इस पहाड़ी से नीचे चला जाता है और इन पहाड़ों का ही पानी जो है, नेचुरल वाटर जो है, वो एक जगह से निकलता है और ऐसा नेचुरल पानी जो है वो यहाँ के लोकल्स के पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए, मतलब हर प्रकार से वो इस पानी का यूज़ करते हैं। 100% प्योरीफाइड वाटर है और मुझे काफ़ी हाँफी आ रही है क्योंकि मैं काफ़ी ऊंचे ऊंचे पहाड़ चढ़ के अभी आ रहा हूँ। मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे पानी निकलता है। हम उसे बावली कहते हैं, यहाँ के लोकल्स हिमाचल प्रदेश की भाषा में उसे बॉडी कहते हैं और बॉडी है, मैं भी आपको दिखाऊंगा, बहुत ही खूबसूरत बॉडी। और बॉडी के पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भगवान शिव का मंदिर भी बना हुआ है, नंदी महाराज भी बैठे हुए हैं और ये वो बॉडी है जिसमें कि अभी ठंड के समय में पानी थोड़ा कम हो जाता है। ये पहाड़ों का पानी है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का पानी है जो निकलता है और मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये पानी जो है इकट्ठा होता है और लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। लोकल जो यहाँ का प्रशासन है कैसे समुचित व्यवस्थाएँ करते हैं, ये देखिए, ये पानी है जो निकल रहा है इन पहाड़ों के प्रेशर से, पानी निकलता है, बॉडी इसे कहते हैं। लोग अपने निस्तार के लिए पानी जो है यहीं से ले जाते हैं, मटकों में भरकर इसे पीने के लिए ले जाते हैं, कपड़े धोते हैं और इस पानी का उपयोग करते हैं। देखिए चारों तरफ ग्रीनरी, पहाड़ ऊंचे ऊंचे यहाँ पर और इन ऊँचे पहाड़ों के बीच में बहुत सारे ऐसे स्थान चिन्हित किए गए हैं जहाँ से ये पानी निकलता है और प्रशासन इसे मॉडिफाइड करके ऐसा कुछ शेप दे देता है और इसे हम बॉडी कहते हैं। देखिए कितना तेज बहाव है इस पानी का और स्वच्छ निर्मल जल लोग यूज़ करते हैं। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, अगर आपको दिखाऊं, बर्फ़ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ आप देख पा रहे होंगे, बर्फ़ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और ऐसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच में छोटे छोटे गांव और उन गांवों में पीने के पानी के लिए बनी हुई हैं ऐसी छोटी छोटी पावड़ी। हिमाचल प्रदेश की और अपडेट्स के साथ मैं आपसे मिलता रहूँगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा।